हाँ दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ हमारे देश के आज के पेरेंट्स पर, जो पुराने हो चुके हैं, जो हमारे निकल चुके हैं, उनके लिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो बड़े हो चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं अपनी लाइफ के हमें क्या करना है क्या नहीं। पर आज की डेट के जो अभी नए पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश इस वीडियो में देना चाहता हूँ, तो ये ज़रूर सुने। और हो सकता है कि अगर आप समझ जाएँ मेरी छोटी सी बात, तो हो सकता है कि आपका बच्चा आने वाले देश का भविष्य बने। दोस्तों ये जो कहानी है, या आप इसको कहानी कह लो या एक पॉजिटिव संदेश कह लो, ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा छाप छोड़ेगा अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो, क्योंकि आत्मनिर्भरता सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे देश के पेरेंट्स इस बात को समझें, तो हो सकता है कि उनके बच्चे गलत दिशा में ना जाकर सही दिशा में जाएं। दोस्तों हो क्या रहा है कि आज के डेट के पेरेंट्स जनरली उनमें एक जो चीज़ रहती है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मैं अपने बच्चे को दूंगा, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भविष्य ख़राब कर रही है। तो इसी चीज़ को मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के तहत आपको सुनाना चाहता हूँ, आई होप कि आप इसको समझें। दोस्तों एक सर्कस होता है, एक साउथ अफ्रीका का एक सर्कस है, और वो सर्कस काफ़ी पुराना सर्कस था और बहुत फेमस था, पर क्योंकि नए दौर के ज़माने में वो सर्कस चला नहीं, क्योंकि हर चीज़ को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, सर्कस ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और जो भी उसका मैनेजमेंट था उसको सही तरीके से रन नहीं कर पाया, तो वो चला नहीं पाया। अब सर्कस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, उनकी तो जॉब गई, साथ में जो उनके जानवर थे उनको भी उनको रास्ते पर छोड़ना पड़ा। तो नॉर्मल जानवरों को तो ऐसे ही छोड़ दिया जंगल ले जाकर, पर जो शेर थे उनको एक घने जंगल में ले जाकर ही छोड़ना था, क्योंकि उनको वो शहर के आसपास के जंगल के एरिया में नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि लोगों से खतरा बना हो सकता था उन शेर का। सो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के घने जंगल में जाकर उनको छोड़ा, क्योंकि उन शेरों को खिलाने पिलाने का बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। अब जब सर्कस की कमाई नहीं थी तो वो उनको कहाँ से खिलाते पिलाते, सीधी सी बात है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके 10 शेर हैं और उन्होंने 10 के 10 शेरों को जंगल में ले जाके छोड़ दिया एक घने जंगल में। पर उन्होंने क्या किया, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए उनके गले में एक सेंसर लगाया, ये पता करने के लिए कि अगर कभी हमको उनकी ज़रूरत पड़ी तो हम वापस उन शेर को पता कर सकें कि वो कहाँ है और उनको ले आ सकें। तो जब 10 दिन बाद मॉनिटरिंग की गई, तो आप सुन के बड़ा आपको दुख भी होगा और आश्चर्य होगा कि उन 10 में से 7 शेर मर चुके थे। दोस्तों जी हाँ, 7 शेरों की मौत हो गई थी, सिर्फ 3 ही शेर बचे हुए थे और वो भी बिल्कुल मरने की कगार पे थे। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो रीज़न बहुत साफ है। दोस्तों एक जो शेर होता है ना, या जो एक जो जानवर होता है, उसको अपना शिकार खुद करना होता है, पर इन शेरों को तो सभी शिकार करना सिखा ही नहीं। इन शेरों को जो भी चीज़, ज़रूरत की चीज़ इनको चाहिए वो इनके सामने रख दी गई। दोस्तों जो भी चीज़ इनको चाहिए थी उसके लिए इनको खुद पर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ा, क्योंकि इनको पता है कि मालिक आएगा और एक सही टाइम पे हमें खाना दे देगा, सारी चीज़ हमें दे देगा। तो ये शेर सही तरीके से माने तो शिकार करना भूल गए थे, और जब इनको जंगल छोड़ा गया तो इनको शिकार करना तो आया नहीं, और तब इनको खाना खुद ढूंढना था, जो कि इनको कभी सिखाया ही नहीं। और ये शेर शिकार बने जंगली कुत्तों का। जी हाँ, वो जंगली कुत्ते जो शेर के सामने आ भी नहीं सकते, उन्होंने शेरों का शिकार कर दिया, क्योंकि उनको पता है ये बैठे हुए कमज़ोर शेर है। उनने यहाँ तक कि अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उतना भी उनको सिखाया नहीं गया है। इस कहानी से सीधा सीधा सा संदेश मिलता है कि अगर हम बचपन में ही अपने बच्चों को बड़ी बड़ी सुविधाएँ दे दें, उनके हाथ में बिना मांगे हम उनको आईफोन दे रहे हैं, बिना मांगे हम उनको बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन हो गए, बिना मांगे हम उनको गाड़ियाँ दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बाइकें हो गई, सुपर बाइक हो गई, अच्छी कार आप उनको दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ उनको इन चीज़ों की कभी इम्पोर्टेंस कभी लाइफ में नहीं मिलेगी। जब कभी आप नहीं रहेंगे, या कभी ऐसा हुआ कि उनको खुद पर आत्मनिर्भर होना पड़ा, तो वो इस तरह के सिचुएशन में कभी टैकल नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। और उसका कारण वो नहीं दोस्तों, आप हैं, उसका कारण उनके पेरेंट्स हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ भी चीज़ दे रहे हो, तो उनको वही चीज़ दो जो जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा आप दोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो क्षमता है वो उसी चीज़ स्तर तक रह जाएगी। होता है ना कई बार कि कोई आदमी को एसी में सोने की आदत होती है, हम तो कहते हैं यार हमें तो आप पेड़ के नीचे सुला दो हम सो जाएंगे, पर आजकल के बच्चे बिना एसी के बात ही नहीं करते हैं। सो यही दोस्तों, जब हालात बुरे होते हैं, सो ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में सफ़र नहीं कर पाते हैं। आपको अपने बच्चों को हर सिचुएशन में सफ़र कराने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यही
उनको सुनहरा भविष्य और यही उनको सुनहरा अवसर देगा लाइफ में आगे कुछ करने का, कुछ कमाने का और कुछ खुद भी पाने का, क्योंकि उनके भी ड्रीम भी कुछ अचीव होंगे कि मैं भी आगे जाके एक कार लूँ, मैं भी आगे जाके फोन लूँ। अगर बचपन में ही आप सब कुछ उनको दे देंगे, आप एक तरह से उनका बचपन तो बना रहे हैं पर आप उनकी जवानी और उनका आगे का भविष्य उनसे छीन रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से आपको कुछ संदेश मिले। अगर आपको कुछ भी ठीक लगे या अच्छा या बुरा तो आप कमेंट कीजिए और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टीफाई इंस्टीट्यूट, एशिया टेलीकॉम, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।